नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं तान्या। खडूर साहिब के पूर्व विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ने श्री गुरु अर्जन देव सराय में अकाली दल व एसजीपीसी के सदस्यों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक में पंजाब की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही अकाली दल की तरफ से रखड़ पुनिया के संबंध में बाबा बकाला में होने वाले मेला व श्री गुरु अंगद देव जी के गुरता गद्दी दिवस के संबंध में होने वाले समागमों की रूपरेखा तैयार की गई। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਧੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ PNB ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਲਾਚੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 40 ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 302, 307, 2549, 452 ਛੱਬੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ PA ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। अमृतसर के माल रोड पर स्थित तनिष्क के शोरूम में गहने चोरी होने का मामला सामने आया। इस मामले में स्टोर की तरफ से CCTV फुटेज भी जारी की गई है जिसमें एक महिला और एक युवक को गहने चोरी करते साफ देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। शोरूम है माल रोड पे कल 6:30 बजे एक 40-45 साल उम्र की लेडी ते नाल एक नौजवान लड़का उत्थे गहने वेखण दे बहाने आए ਅਤੇ ਵੰਗਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਿਆ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੜਾ ਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ CCTV ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਤਨ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 380 IPC ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। चंबा में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय आवासीय बैठक संपन्न की गई है जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष DS ठाकुर ने की। इस बैठक में प्रदेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव व दूसरे राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए। आपको बता दें कि निंदा प्रस्ताव में प्रदेश में फैली अराजकता को लेकर सरकार की निंदा की गई, जबकि राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से प्रदेश को कई मामलों को लेकर शर्मसार होना पड़ा। हिमाचल में BSNL सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2G और 3G BTS लगाए जा रहे हैं ताकि पूरे प्रदेश में BSNL के ग्राहकों को बढ़िया सुविधा मिल सके। हमीरपुर पहुंचे BSNL के CJM हिमाचल रवि दत्त ने बताया कि वाईफाई सुविधा के लिए प्रदेश की हर एक्सचेंज को वाईफाई किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में 625 BTS लगाए जा रहे हैं जिससे BSNL उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल सेवाएँ बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। हम लोग यहाँ पर अभी नए BTS और लगा रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जिससे कि हमारी जो सेवाएं हैं मोबाइल की उसको उसमें और बेहतर तरीके से हम सेवा दे पाएँ जिससे ड्रॉपिंग कम हो सके। उसके लिए हम लोग ड्राइव टेस्ट कर रहे हैं और हम लोग 625 के आसपास नए BTS लगाने जा रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसमें 310 BTS जो हैं वो 3G के होंगे और 280 BTS के आसपास जो 2G के होंगे। इसके साथ ही हम लोग 4G BTS भी लगाएंगे जो बद्दी एरिया में लगेगा जिससे कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 4G स्पीड का फ़ायदा मिल सके। इस पूरे करने से हम लोग की सेवाएँ जो मोबाइल में हैं उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। दूसरी सेवा जो है लैंडलाइन के बारे में बात करें कि NGN न्यू स्विच आ रहा है जिसकी वजह से वो IP बेस्ड स्विच होगा और उसमें सुविधाएँ जो डाटा नेटवर्किंग की वो और इम्प्रूवमेंट उसमें आएगा। इसके साथ ही BSNL चाहता है इस वर्ष में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकें। जितने भी रूरल एक्सचेंजेस हैं
सब में वाईफाई लगाने का प्रोविज़न किया गया है, जो कि हम लोग दिसंबर तक ख़त्म कर लेंगे, और जिससे कि 4G की स्पीड उन वाईफाई के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तक हम लोग पहुँचा सकेंगे। हरिद्वार ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत महिला सिपाही को उसके उत्कृष्ट कार्य हेतु शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सम्मानित किया। दरअसल हरिद्वार ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत महिला सिपाही कल्पना गहलोत कई सालों से हरिद्वार के चौराहों पर सेवा दे रही है। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनकी अपनी एक विशेष पहचान है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने उनके कार्य से प्रभावित होकर उन्हें सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे इतने अच्छे काम का इतना मतलब लगा कि जनता ने मुझे इतना अच्छा समझा, और जब मैं घर से आ गई तो मुझे लगता है कि मुझे रोड पर मुझे क्या करके देना जनता के लिए, क्योंकि मैं उसी के लिए आई हुई यहाँ पर। तो मेरा मेन फोकस रहता है कि जनता सुरक्षित जाए अपने घर पर। मेरा मेन यही रहता है। यही है कि हाँ, पुलिस का जो जॉब है थैंकलेस है। 50 काम अच्छे करेंगे, 51 में अच्छा नहीं होगा तो सारे 50 धुल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जनपद में आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बच्चे को उन दो पुलिस वालों ने किस प्रकार से देख के और बरामद किया था, वो घटना भी याद है। और जिस प्रकार से हमारी ये कल्पना गहलोत जी ड्यूटी करती हैं, आप देखेंगे इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई अधिकारी जा रहा, कोई कर्मचारी जा रहा, कोई जा रहा या नहीं जा रहा, धूप है, बरसात है, छांव है, आप अपनी ड्यूटी पे खड़ी होकर जिस प्रकार ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, ये एक उन सब अपने जो चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं उनके लिए एक कहीं ना कहीं मिसाल है। गत दिन योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का 44वां जन्म दिवस था। इस अवसर पर रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने 44 कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस दौरान बाबा रामदेव ने पाकिस्तान और चीन पर तीखे हमले किए। उन्होंने POK को भारत में पुनः विलय करने के साथ चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करने की लोगों से अपील की। साथ ही रामदेव ने राहुल गांधी को अपने सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने की भी नसीहत दी। चीन अब सीधे तौर पर पाकिस्तान के आतंकवादियों का खुला समर्थन कर रहा है, और पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के और भूटान बॉर्डर तक, डोकलाम तक, जिस तरह से युद्ध की धमकियां दे रहा है, अब वक्त आ गया है एक पाकिस्तान की ओर जवाब देने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर का हम भारत में पुनः विलय करें, और आर्थिक स्तर पर संपूर्ण देशवासी चीन के बने सामानों का, चाहे वो मोबाइल हैं, चाहे वो घड़ियां हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे टाइल हैं, चाहे हम खिलौने हैं, चाहे वो FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, चीन के बने सामानों का सभी भारतीय बहिष्कार करें, और यदि युद्ध के लिए ललकारता है चीन तो उसके लिए भी देशवासी एकजुट होकर के भारत सरकार का, मोदी सरकार का साथ दें। राजनीतिक पार्टियों को भी आपसी सीटा किसी से बाहर निकल करके आना चाहिए। राष्ट्र की एकता अखंडता और संप्रता राष्ट्र की एकता अखंडता और संप्रता के प्रश्न पर राजनीतिक दलों को कोई भिन्न भिन्न राग नहीं अलापने चाहिए। पूरे देश में बाढ़ की तबाही से जान माल की जो हानि हुई है, सैकड़ों लोगों की जीवन लीलाएं खत्म होने के साथ साथ गौ माता के ऊपर भी जो संकट आया है, सभी लोगों को इस कार्य में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गाय मात्र नारों से नहीं बचेगी। गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच में जो टकराव है वह तो एक प्रश्न है ही, लेकिन इस समय जो प्राकृतिक आपदाई है, सबको खुले दिन से गौशालाओं का सहयोग करना चाहिए, और हमने तो गौ सेवा को अपने जीवन का एक मुख्य ध्येय बनाया हुआ है। राजनीतिक विद्वेष में किसी भी तरह की हिंसा और वारदात करना, इसको न तो लोकतंत्र में कहीं अनुमति है और न ही हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी तरह से अनुमति है। मुझे लगता है इस तरह की ओछी हरकतों से और हिंसक बातों से बचना चाहिए। देखिए, जो VIP लोग हैं उनको भी सुरक्षा के जो निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए, और हमारी देश की जनता बहुत सहिष्णु है, और अहिंसा परमो धर्म को हमने सृष्टि के आदिकाल से अपनी संस्कृति के रूप में स्वीकार किया हुआ है। राजनीतिक हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, और हमारी
हमारे मतभेद हो सकते हैं राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, धार्मिक आर्थिक मुद्दों को लेकर के, लेकिन वो कभी किसी भी प्रकार से हिंसा का रूप नहीं लेना चाहिए। तक पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय नहीं होगा, रोज़ हमारे शहीदों के शव सीमाओं से आएंगे। अब रोज़ रोज़ के युद्ध से एक बार का युद्ध सही। आज श्रद्धेय आचार्य जी का 44 वर्ष पूरा हुआ है जीवन का, और 44 विश्व रिकॉर्ड वर्ल्ड कीर्तिमान पतंजलि योगपीठ ने बनाए हैं। हरिद्वार में मात्र सदन आश्रम के पास गंगा में दो महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाओं के शव आपस में चुन्नी से बंधे हुए थे। महिलाओं की अभी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस के अनुसार दोनों माँ बेटी हो सकती हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन दोनों ने आत्महत्या की है या फिर इनकी हत्या करके शव गंगा में फेंके गए हैं। ये नहर के अंदर वहाँ पर जो टापू है ना, वहाँ पर ये फंसी हुई थी जी। तो इनको हमारे चौकी इंचार्ज ने, हम मुझसे जो पहले आ गए थे सूचना पे, वो और पब्लिक की मदद से निकाल के लाए थे और ला करके उन्होंने जो है वहाँ पर रख रखा है। ये जो टापू है ना, टापू वो टापू दिख रहा है वहाँ से, मात्र सदन के बराबर जी। हाँ, मात्र सदन के बराबर में टापू जो है वो वहाँ से। दोनों लेडीज हैं और लगती हैं सकल सूरत से दोनों बहनें हैं, और ये गुलाबी सूट में जो छोटी है और वो ग्रीन कलर में जो बड़ी बहन लगती है। नहीं, मैंने तो जब देखा तो इनको इसमें ऐसे ही देखा है खुला हुआ, लेकिन मुझसे पहले जो आए थे उन्होंने बताया था कि मतलब कि ये जो गुलाबी कलर की जो चुनरी और ग्रीन कलर की चुनरी है, इससे दोनों जो है आपस में बंध गए। हाथ के बारे में मुझे नहीं बताया, लेकिन उसमें धागा है एक, उस एक लड़की के हाथ में ग्रीन कलर का, वो खुला हुआ है। अब इसको अभी तो जाँच का विषय बनेगा, क्योंकि इसमें जाँच होगी। अब ये सुसाइड भी हो सकता है और कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।